फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये नया तोरण बता रही हूँ दरवाजे में टांगने का। तो ये मैंने अपने दरवाजे के हिसाब से चोटी बनाई है। आप अपने दरवाजे का नाप लेके और ऐसी चोटी बना लोगे। ये तो सभी को आती है फ्रेंड्स, चोटी बनानी। तो इस तरह से मैंने चोटी बना ली है और उसके बाद उसको बराबर से डिवाइड करके और उसके बाद मैंने ये लटकन लगाए हैं। तो ये पॉम पॉम का तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे इसमें, तो वो देख लेना आप कैसे बनाना है। और ये वाला मैं बता दूंगी अभी आपको कैसे बनाना है इसको। और बाकी ये मोती आप लेकर आओगे ख़रीद के, तो ये आपको दिखाती हूँ मैं अभी कैसे इसको किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे तैयार करके रखे हैं मैंने। इस तरह से ऐसे बनाना है आपको, ये छोटे छोटे ये मैंने बना के रखे हैं। ये देखिए, कुछ नहीं है, बस आपको ये रोल करना है और उसमें बांधना है। मैं बता देती हूँ आपको, ये भी बना के रखे हैं उसी तरह से और ये भी बना के रखा है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे करना है उसको। ये तीन चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी मैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे ले लोगे और ये दो उंगली में आपको ऐसे रोल करना है। जितना आपको मोटा चाहिए उतना आप इसको रोल कर सकते हो, जितना घना चाहिए आपको ये चीज़ उतना आप बना सकते हो इसको। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे ऐसे, और उसके बाद जैसे आपने इतना बना लिया, इसके बाद आप इसको ऐसे सेंटर पे आप बांध दोगे इस तरह से, ऐसे आपने बांध लिया। इसके बाद आप यहाँ कट कर लोगे और यहाँ कट कर लोगे, तो सेम इसी तरह ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताती हूँ मैं दूसरा, ये वाला। ये वाले के लिए क्या किया है फ्रेंड्स मैंने, जैसे ये है, इसको आपने ऐसे ऐसे लेना है। इस तरह से लेके और ऐसे आपको यहाँ पे बांध देना है और यहाँ पे कट कर लेना है। यहाँ पे आप बांध दोगे इस तरह से, ऐसे आप बांध दोगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से बांध दोगे और यहाँ पे आप कट कर दोगे, तो ये वाला झूमर जैसा जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे भी एक नॉट बांध सकते हो, पहले यहाँ पे और फिर बाद में यहाँ नॉट बांध सकते हो। इस तरह से ये भी तैयार हो जाएगा आपका। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब जो ये हमारा जो ये बना है फ्रेंड्स, ये वाले, ये आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाया मैंने। तो इसका ये तैयार है, ये नीचे वाला है, और ये जो दो ऊपर हमें करना है जॉइन वो वाले हैं। तो पहले आप जैसे इसको हर एक में मैंने इसको नीचे रखा है और इसको ऊपर रखा है। ठीक है, इस तरह से ऐसे, तो इसमें आप पहले धागा डाल लोगे मोतियाँ। आप कोई भी कलर की ला सकते हो, मैंने गोल्डन लाया, आप आपको जो पसंद है आप वो ला सकते हो, और साइज़ भी आप अपने अनुसार ला सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे चाहिए आपको। अब ये डाल लिया फ्रेंड्स इसमें हमने। अब आप क्या करोगे, ये ऐसे रख लोगे इसको। ठीक है, धागा ऊपर की तरफ रहेगा और ये इस तरह से आप ले आओगे नीचे, फिर एक बार ले जाओगे ऊपर, अच्छे से इसको कस लोगे।
अब जैसे ऐसे बन जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब नीचे आपको जैसे आपको ये नीचे रखना है ना, तो आप इसको छोड़ दो और इसको अब लगा लेंगे, क्योंकि हमें ये वाला लगाना है। तो आप इसमें धागा डाल लोगे पहले, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें ऐसे आपने डाल लिया, फिर यहाँ से आप ऊपर ले आओगे इसको, ये आपका नीचे लग गया, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे गांठ लगा लेंगे और ये तैयार हो जाएगा हमारा। गांठ लगा के आप इसको काट देना, जैसे ये आपने लगा दिया, ये एक्स्ट्रा वाला आप काट दोगे यहाँ से। ये हो गया तैयार। बस इसमें जो ये मोतियाँ हैं गोल्डन वाली, ये आप डाल दोगे तो ये आपकी लड़ी तैयार हो गई। अब फ्रेंड उसमें मैं लगाना आपको बताती हूँ। अब जैसे ये लगा दिया है हमने लाइन से, अब यहाँ पे हमें लगाना है इस जगह पे। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे दिखा देती हूँ आपको। इसमें से एक निकाल लेंगे, पहले आप पूरा ये सब रेडी कर लोगे पूरा, और चोटी बना के फिर उसको डिवाइड कर लोगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको लगा दोगे। ये एक ले लिया हमने, ये बाकी के आप अच्छे से रख दोगे ऐसे, ताकि खुले ना, मोतियाँ गिर जाएंगी फिर आपकी। तो आप इसको ऐसे रख दो हल्का गांठ लगा के। अब इसमें डाल लोगे धागा सुई में, ये डल गया फ्रेंड्स। अब क्या करोगे, यहाँ से आप नीचे से लोगे ऐसे सेंटर से चोटी के, और इस तरह लेके आप जो है इसमें इसमें आप गांठ एक लगा लोगे ऐसे। अब ये जो हमने मार्किंग करके रखी थी इसको खोल लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसको आपने ऐसे खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक बार और डाल दोगे इसमें ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो ये धागा आपका बच रहा है, इसको आप चाहे तो इसके अंदर से, मोती के अंदर से निकाल के, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप तोड़ के फेंक दें ऐसे। इस तरह से कर लेंगे आप। बस ये ऐसे डालने से फ्रेंड्स ये मजबूत हो जाएगा, तो आप है ना इसको यहाँ से ऐसे काट दोगे तो उसमें चले जाएगा मोती में ऐसे, इस तरह से हो जाएगा ये। तो इस तरह से पूरे ये जो है हम फिनिश कर लेंगे, पूरी लड़ियाँ लगा लेंगे यहाँ से लाइन से। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये मैंने मार्किंग करके रखी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये वाला बताऊंगी फ्रेंड्स आपको, इसको भी लगाना है अभी हमने। तो पहले ये पूरे लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था ये लगा लूँगी पूरा, तो ये पूरा लगा लिया मैंने, देखिए। ये पूरे लगा लिए मैंने, ये वाले मैंने बताए नहीं थे आपको, ये बता देती हूँ। और ये जो मैंने सितारे लगाए हैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे सेंटर पे आप ऐसे
इस तरह से ले लोगे, चाहे तो इसको दो बार ले लो, ऐसे ऐसे लेने के बाद फिर आप इसको वापस निकाल लोगे नीचे, ये ऐसे। बस यहाँ पे निकाल के आप यहाँ पे एक कट लगा दो, और इसको कट कर दो। बस ये लग गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये छोटी सी चोटी जैसे बना के लगा दी है टांगने के लिए, हुक पे या कील पे, जैसे भी आप लगाओगे। अब ये स्टार्स लगाना दिखा देती हूँ आपको, तो हमारा ये तोरण कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने चिपकाने के लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, छोटे छोटे जो है आप बूंदे इसमें लगा लोगे, ठीक है। ये लगा लिया आपने, अब इसके ऊपर सिंपल आप ये चिपका दोगे, ये वाले लेके ऐसे लेते जाओ। ये पैकेट आते हैं फ्रेंड बहुत सस्ते आते हैं, 5-10 रुपए के। ये तो मैंने अपने पसंद से लगाया, आप नहीं भी लगा सकते हो, तो अच्छा थोड़ा चमकेगा स्टार्स, ये इसलिए लिया है मैंने। जैसे लगा दोगे, थोड़ी देर रहने दोगे तो सूख के चिपक जाएगा उसमें। ये हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये चिपक जाएगा ये थोड़ी देर में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड तोरण, ये देखिए इस तरह से ये पूरा है। ये पूरा बन गया फ्रेंड्स, अभी मैं इसको दरवाजे में आपको टांग के दिखा देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया हमारा, आशा करती हूँ आपको पसंद आ गया होगा। तो मैं इसको अभी दरवाजे में टांग के आपको दिखा देती हूँ।